टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स फ्रॉम टॉप क्वालिटी ट्रस्टेड ब्रांड्स लाइक डेल, एचपी, लेनोवो एक्सेट्रा, विद लेटेस्ट जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स लाइक कोर i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, खानापुर जिले की रहने वाली एक खातून जिसका नाम हशमत उनीसा है, इनको एक कांग्रेस कारपोरेटर जिसका नाम अमरेंद्र रेड्डी है, इनको घर यहां से खाली करके जाने के लिए गरीबों पर जुल्म और हिरासा कर रहा है और बार बार नारसिंगी पुलिस स्टेशन को तलब करके इन्हें हिरासा किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक हशमत उनीसा का घर 115 गज पर दो कमरे मौजूद हैं। इन्हें ड्रामा गंडम से ये जमीन हासिल हुई थी, जो इनके दादा को ये जमीन मिली थी और दादा ने इन्हें दिया था। ये कारपोरेटर की जानिब से यहाँ से खाली करके चले जाने को कहा जा रहा है और बार बार पुलिस स्टेशन बुलाकर घंटों बिठाया जा रहा है और इन्हें धमकाया जा रहा है कांग्रेस के कारपोरेटर अमरेंद्र रेड्डी की जानिब से। अब इस कारपोरेटर के खिलाफ इंक्वायरी होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन ये गरीबों पे जुल्म कर रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नल है, ये इसके भी रसीद है, पुरानी रसीद है। कारपेंटर बोले तो काट दिया हूँ बोल के पूरा पुराड़ी लेके काट रहा, पुराड़ी लेके कतर रहा है, ये कतर रहा है। आया पानी नहीं, पाइप काट रहे, नल का ही नल का पानी हमारे प्लाट में का नल का पाइप काट दिया। वालेकुम, मेरा नाम हशमत उनीसा है, खानापुर विलेज से बात कर रही हूँ। मेरा परदादा दादा ससुरा उनके ज़माने से चलते हुए आ रही सी ज़मीन है ये। इस पे कॉर्पोरेटर आके बोल रहा नहीं रहना बोल के, हमारी 100 गज की जमीन पे कहीं को नहीं रहना बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, जमीन मतलब हटाने की वजह क्या है? गवर्नमेंट लैंड है बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट लैंड है ही नहीं वो। आपकी 100 गज है खाली गवर्नमेंट लैंड? हमारी 100 गज है बोल रहा हूँ, पूरा दिए ग्रामा गंडम को, पूरा जनों को गाँव बसाओ बोल के दिए थे, कहते दादा परदादा के जमाने में। तो कितनी दिए थे वो? पूरा दिए भाई, हमारी 500 के ऊपर है। अच्छा, हमारी खाली हमारे को रजिस्ट्री करके दिए हमारे बाबा 115। आपका जो घर है वहाँ पर जो आपको हटाना चाह रहे हैं वो कितने गज पे? वो 115 है। और बाकी आसपास भी ग्रामा गंडम के क्षेत्र बाद नेबर जो भी है हमारे पूरे ग्रामा गंडम के हैं। तो लोगों को भी हटा रहे हैं वहाँ से? नहीं नहीं, किसी को ना हटा रहे हैं, सिर्फ हम आपको हटो बोल रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को टारगेट करने की क्या वजह है? ये कॉर्पोरेटर की वजह है, क्या वजह है ये नहीं बोला, खाली परसों क्या बोला बोले तो अच्छा तुम लोग साइन करके चले जाओ, मैं यह मंदिर बनाता हूँ बोल रहा कॉर्पोरेटर, नहीं तो जेपीसीपी से घर तोड़ देता हूँ तुम्हारे दो भी कमरे बोल रहा। नाम क्या है कॉर्पोरेटर का? अमरेंद्र रेड्डी है उसका कॉर्पोरेटर का नाम। पार्टी कौन सी पार्टी के? कांग्रेस के है अमरेंद्र रेड्डी है। हमारा एक घर तोड़ने की वजह क्या है भाई? अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग पुलिस के बड़े ऑफिसर से क्या चाह रहे हैं? हमारे इंसाफ होना, पुलिस से है, आप लोगों से है, सबसे इंसाफ होना हमारे बस। सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल खदीर है और मेरी खानापुर में ज़मीन है, 500 चिल्लर है दादा परदादा से, और मेरे को उन्हें रेड्डी सतारा वहाँ का कारपेटर बहुत सता रहा उन्हें, मन रेड्डी बोल के नाम है उसका, और उन्हें मेरे को बार बार करेगी यहाँ पीएस को वो करके मेरे को यहाँ भेज रहा उन्हें, तोड़ देता बोल रहा, डीसीपी लगा के तोड़ देता हूँ बोल रहा। आप किससे खरीदे जमीन वो? ये खरीदे सो नहीं है, हमारे पुरुषों से ऐसो है, दादा परदादा से है, हमारे बाबा के नाम पे भी टैक्स की स्कीम में है। हाँ, ग्रामा गंडम की है, गांव बसाओ बोले ना जमीन छीसो है ये, उसके हिसाब में अब मंदिर को वो कर देता हूँ तोड़ दे के वो करता हूँ बोल के कारपेंटर बोल रहा मेरे। एक ही घर है वहाँ पर? नहीं, चार पाँच, सात आठ घर आए, सात आठ घर आए।
अभी आपके अलावा जितने घर है जी वो लोग को किसको भी नहीं बोल रहा, किसी को नहीं बोल रहा, लेकिन हमारे को बोल रहा हूँ। क्या वजह है इसकी? क्या वजह है नहीं मालूम, हमारे से दुश्मन भी पड़ा बना हुआ है उन्हें, वजह नहीं मालूम हमारे को, कुछ रिस्पांस कर रहा ही नहीं उन्हें। देसी भी लाता हूँ तोड़ देता हूँ बोल रहा। कोई जी एस एम सी से म्यूनसिपल वाले कोई आए थे? म्यूनसिपल वाले आए, आके खाली फोटो वाले लेके चले गए थे दो जने। बोला क्या बोले? वो लोग कुछ भी नहीं बोले, नंबर दे बोल के मैं बोले तो लोग आके नंबर के वास्ते मैं अप्लाई करा था, आके खाली फोटो वाले लेके चले गए। उसके बाद वो लोग कुछ भी क्या बोल रहा, नंबर नहीं देना उसको बोल के बोल रहे हैं काउंसलर। हाँ वहाँ लिख के दिया करते म्यूनसिपालिटी में नहीं देना बोल के। हमारे बाबा कल आए भी थे म्यूनसिपालिटी में, वो कह रहे थे नहीं मैं दो दिन में कलेक्शन कर लिए वाले मैं दे देता हूँ नंबर बोल के बोले म्यूनसिपालिटी वाले, इन्हें नहीं देना बोल के बोल रहा था। क्या है आपके पास? हमारे डॉक्यूमेंट्स है पूरे, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स है मेरे कहने पूरे डेट पूरा रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स है मेरे। ये रजिस्ट्री कब हुई है? मेरे 2019 में हुई सो है। 2019 में? हाँ, उससे पहले टैक्स के रसीद हैं छपुर। उससे पहले टैक्स कब से बन रहे हैं आप? टैक्स मैं एक होश आए जब से मैं बन रहा हूँ। एक अंदाजा 10 साल 15 साल 20 साल से बन रहा हूँ मैं। 20 साल से टैक्स? 20 साल से बन रहा हूँ। स्लिपा है आपके पास? हाँ है, पूरे है स्लिपा। ये स्लिपा है। कहाँ पे बनते थे आप टैक्स? मैं ये खानापुर में जाता था टैक्स लेने, बल्दिया में। हाँ बल्दिया में, ग्राम पंचायत में आता था। आखिरी में हम राजेंद्र नगर था पहले, अब नारसिंह हो गया म्यूनसिपल। म्यूनसिपल नारसिंह हो गया, नारसिंह में भी परसों बना मैं। सिर्फ आपको टारगेट करने की क्या वजह है? अब वो पता नहीं चल रहा आपने। कॉर्पोरेटर से बात नहीं हुई? कॉर्पोरेटर से बात हुई तो नहीं, मैं मंदिर डालता हूँ तू साइन करके दे बोल के उल्टा मेरे को धमकी दे रहा कॉर्पोरेटर। तोड़ देता हूँ देसी भी लगा के बोल के बोल रहा। तो आपके अदरा मुस्लिम है पूरी लोकेलिटी? हाँ पूरे है, बाटेदार हैं हमारे। वो लोग को किसी भी कुछ नहीं, मतलब रिश्तेदार है हमारे, ताया चिचा के बेटे उनका घर है। वो लोग को किसको भी नहीं बोल रहा, वो लोग ने पैसा आया वो लोग बना, हम गरीब है हमारे को ये टारगेट कर रहा है। आप घर बनाए वहाँ पर? हाँ बनाया, दो रूमा डाला मैं, दो रूम डाला। ग्राउंड फ्लोर? हाँ टीना का है, टीनों का है, डाल के रह रहे तो उसमें से निकलो बोल के। आजू बाजू के भी टीनों के है? नहीं बिल्डिंग है, बिल्डिंग है। वो भी स्कीम की जमीन? वो भी स्कीम की, ग्रामागंडम की जमीन है, स्कीम की 600। वो लोग को किसको भी नहीं दे रहा। हाँ मेरे रजिस्टर है उनके, तो नो एंट्री भी नहीं है अभी, खाली टैक्स की रसीद पे वो कर लिया लोग। आपके नाम पे कौन करे रजिस्ट्री? मेरे बाबा करे, खादर मियाँ। आपके वालिद साहब? हाँ वालिद साहब करे मेरे। आपके दादा वालिद साहब को दिए थे? हाँ दादा मरने के बाद वालिद साहब के नाम पे हुआ। हाँ वो वालिद साहब के नाम पे, वालिद साहब मेरे को करे रजिस्ट्री। और पहले से टैक्स रसीद पे थी अब्बा के नाम पे, मेरे नाम पे। पीएस में लेके आ रहे, बिठा रहे, कुछ भी बोल रहे नहीं, लेकिन लड़ लिया कहते वो कहते बोल रहे, फिर इसकी जमीन का ला के बता रहे। मैं डॉक्यूमेंट बताता हूँ फेक है रहे तेरे, वो बोल के गालियाँ दे रहे हैं। तो रजिस्ट्री करे से वाले की भी गांड फोड़ता हूँ बोल के गालियाँ दे रहे हैं। हमारे बाग भी गालियाँ दे रहे हैं। आप रजिस्ट्री करा के कितना टाइम हुआ? मैं 4-5 साल हुआ। हाँ 2019। तो इससे पहले वहाँ के अतराफ वाले ये अभी आपकी जमीन पे कंप्लेंट करे कौन? मेरे कंप्लेंट करे सो खाली भतीजा मारे बोल के आ रहा, लेकिन जमीन पे कंप्लेंट कौन करे आपके? कारपेंटर करे, कारपेंटर। उनका घर भी वहीं से? नहीं नहीं है उधर, कारपेंटर करे, मंदिर बनाता हूँ बनाता हूँ बोल के हमारे को सेना करके दो बोल के हमारे को सता रहे कारपेंटर। और आजू बाजू आपके भाइयों से कैसा है रिलेशन आपका? सब अच्छा है हमारे से, कुछ भाई से तो कुछ वो नहीं, मतलब ये प्रॉपर्टी की वजह से कुछ लड़े झगड़ा होता नहीं से? वो भाई आके वो करता थोड़ा, हमारा भतीजा, भतीजा अच्छा। भाई का बच्चे जाके वो करता, एक महिला भतीजा, उन्हें बोलता हमारे बाबा बनाए सो है, हमारे बाबा रहे तो ये जमीन बोल के बोलते। उनके बाबा मतलब आपके भाई? भाई तो आपके भाई बनाए थे पहले? नहीं बनाए कुछ भी, खाली जमीन पे आप रूम बनाए? हाँ आप जब बनाए सिर्फ जमीन ही थी? हाँ जमीन थी। या फिर उनके आपके भाई बनाए थे क्या? नहीं नहीं दादा, उन्होंने पुराना घर बनाए से उनको मिला, हमारे को सामने की खुली जमीन हमारे को दी हमारे बाबा। आपके हिस्से में जमीन? हाँ। थी रजिस्ट्री जमीन की हुई? हाँ जमीन की हुई। प्लाट बनाने का परमिशन वगैरह है आपके पास? परमिशन के वास्ते अप्लाई करा तो नहीं दे रहे, पहले आप बना उसके बाद परमिशन देता हूँ बोल रहे। मैं बनाया बनाए बने, आप जाके पूछे तो जैसे वो रेड्डी जो है ना कारपेंटर, उन्होंने नहीं देना उसको नंबर बोल के रोक रहे। परसों पानी का भी नल काट दिए, अब मैं टाकी से ले लेके आ रहा हूँ पानी। मतलब नल कौन काटे वहाँ का? वो हमारा भतीजा काटा, महिला भतीजा काटा। हाँ लेवन उन्हें कारपेंटर बोले तो काट दिया उन्हें बोल के वो कर काटा। भतीजे का नाम आपके? फहीम।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स फ्रॉम टॉप क्वालिटी ट्रस्टेड ब्रांड्स लाइक डेल, एचपी, लेनोवो एक्सेट्रा, विद लेटेस्ट जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स लाइक कोर i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमराज भी मिल जाएंगे जो कि एचडी क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 इयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।